सब सामान देखते नहीं है, सारा सामान भाई दूदू को गद्दा है, सारा कपड़ा पेटी उटी कपड़ा लत्ता सब घोघट गया घर में। वो तो जान बचाए कि सामान घींचे हम। लगातार हो रहे बारिश और पड़ोसी देश भूटान के पहाड़ों से आ रहे पानी के कारण जयगांव के एनएस रोड झरना बस्ती इलाके में रहने वाले शर्मा परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। इस जगह लगातार हो रहे पानी और निकासी व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण इस शर्मा परिवार का घर का वॉल टूट गया है, जिस वजह से बारिश का पानी मिट्टी के साथ इनके घर में घुस गया है। इस जगह इनके घर में मिट्टी और पानी घुस जाने से इनका सब कुछ तबाह हो गया है। यहाँ आलम यह हो चुका है कि अब ये परिवार एक वक्त की रोटी के लिए भी दूसरों से मदद की गुहार लगा रहा है। इस पीड़ित परिवार की मां सीता शर्मा ने रोते बिलखते कहा कि बारिश के पानी के कारण कतरात उनका घर का वॉल टूट गया है और घर के भीतर मिट्टी पानी घुस जाने से उनका सामान और राशन तबाह हो गया है। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर स्थानीय पंचायत को भी जानकारी दिया गया है, मगर अभी तक कोई सहायता नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार के पुत्र विजेंद्र शर्मा ने कहा कि दूसरों के दुकान में काम करके घर का गुजारा चलता था। लॉकडाउन और भूटान गेट बंद रहने के कारण सब काम धाम बंद हो चुका है। वहीं वाल टूटकर पानी घर में घुस जाने से जो था वो भी तबाह हो गया है। इधर कालचीनी के वीडियो प्रशांत बर्मन ने कहा कि इस समस्या की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को इसका रिपोर्ट भेजे जाने को कहा जा रहा है। समस्या हो गया, ओ वाल टूट के पानी डूब गया घर में, कुछ बचाने नहीं सका, कुछ बचाने नहीं सका। कहाँ से पानी आ रहा है? ये पानी रोड का पानी, नाला का पानी, रोड से ऊपर से पानी गया। नाला पर से रोड ऊपर से पानी आता है ना, तो घर के अंदर में पानी डूब गया था। पानी यहाँ 5 फुट पानी, सब सामान बर्बाद, सब सामान देखते नहीं है, सारा सामान भाई दूदू का गद्दा है, सारा कपड़ा पेटी उटी कपड़ा लत्ता सब घोघट गया घर में। वो तो जान बचाए कि सामान घींचे हम। पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा हुआ जो ये रोड भरा के, ये रोड जो भरा किया है ना, ये रोड भर करके इसमें 10 चक्का का गाड़ी जा रहा है, इसीलिए हमारा घर भस गया, न तो नहीं भसता। हमारा नाम है सीता शर्मा। क्या समस्या एक्चुअली कैसे हो गई? एक्चुअली उस दिन रात को इतना बारिश आ रहा था, बरसा आने वाला 9:30-10 का करीब में घर ऐसे मतलब बारिश पूरा आके मतलब वाल को धक्का देकर मतलब टूट गया, मतलब जमीन भरते भरते कितना साल से जो है मट्टी भर के रास्ता से, इसलिए जमीन लास्ट प्रेशर से मतलब वाल गिर गया। वाल गिरने के बाद जितना सामान उमान था पूरा मतलब वेस्टेज हो गया, हम लोग का जो सामान था कुछ बचा नहीं था। बक्सा में जो कपड़ा वपड़ा था सब चला गया, खाना वाना सब चला गया। खाना वाना खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है अभी, ना काम है लॉकडाउन में, काम उम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें बताइए आप। कितना परिवार है? परिवार एक्चुअली हम 7 आदमी हैं हम लोग। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी क्या करें, थोड़ा सहारा चाहिए। आप क्या करेंगे अब, हम कैसे बताएं? खाने पीने का व्यवस्था नहीं है अभी, खाने पीने व्यवस्था नहीं है, सिलेंडर भी खत्म है, कुछ भी नहीं है। अब क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र शर्मा नाम है। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है राजेंद्र नगर, साउथ स्ट्रीट बगल में। इधर पंचायत आपका नूर है कट्टू। पंचायत से नहीं बोले आप? पंचायत बुला के दिखा दिए, पंचायत कुछ फिर दोबारा भेंट हुआ नहीं, आता भी नहीं है पंचायत से। दो बार गया है।